ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, मौसम बदल गया है दिल्ली का और लगातार इस तरह से दो तीन दिन हो गए हैं इस तरह से शाम के समय बारिश जो लगातार होती रहती है, लेकिन आज जो बारिश हुई है बहुत ज्यादा तेज हुई है। ओले भी दिल्ली में पड़े हैं और कुछ इलाकों में दोपहर से ही बारिशों की खबर आई थी, लेकिन हम इस अशोक विहार में और अशोक विहार के हम आपको हालात दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर जगह आपको यहाँ पे बारिश नजर आ रही है, लोग घरों से कम निकल रहे हैं और जो पूरी सड़क है वो पूरी गीली हो चुकी है। टिप टिप कर बरसते इस पानी के साथ बरसते ओलों को आपने पहली बार तो नहीं देखा होगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है, ऐसे समय पर बारिश पड़ना कहीं न कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जी हाँ, जहाँ कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस गर्मी से समाप्त हो जाएगा, तो वहीं कुदरत का प्रकोप भी देखिए कि अब ठंड लगातार बढ़ रही है और इसी ठंड का एक और उदाहरण आपको 6 तारीख को देखने को भी मिला, जहां 5 तारीख की रात से शुरू हुई बरसात सुबह आकर थोड़ा थमी और सूरज देवता नजर आए, तो वहीं शाम को ओलों के साथ एक बार कुदरत फिर से लोगों के ऊपर मेहरबान हो गया। लेकिन मेहरबानी भी कैसी कि एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ लोगों में कोरोना वायरस का डर फैल गया है। अब ऐसे में लोग इस बारिश का आनंद लें या फिर इस बारिश से परेशान हो, ये सभी के लिए सोचने का विषय बन गया है।